उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई और इस दौरान 18 प्रस्ताव आए। दो प्रस्ताव पर सब कमेटी बनाई गई जबकि एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। बैठक में महात्मा गांधी जी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। हम लोगों ने भी 2 मिनट का 11 बजे मौन रखकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की आज कैबिनेट ने। और मैं तो कांग्रेस से केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि वो गांधी जी के उन सपनों पर चले। गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद जो अल्पसंख्यक यानी हिंदू जैन ईसाई इस प्रकार के लोग अगर भारत आएंगे उनकी रक्षा करना, उनको रोजगार देना, ये भारत सरकार का दायित्व होगा। आज हमने गांधी जी के उन सपनों को आगे बढ़ाया, कांग्रेस इसका विरोध ना करे। ये इसमें था कि राज्य सरकार के द्वारा जो एक्ट बनाया जाता है उस एक्ट में इन निकायों को यह अधिकार था कि ये सेवा के रूप में आप अपने निकाय के अंतर्गत स्लॉटर हाउस को संचालित करेंगे। राज्य सरकार ने एक्ट में प्राविधान केवल ये किया है कि किसी क्षेत्र में किसी नगर पालिका के, नगर निगम के, नगर पंचायत के यदि राज्य सरकार सहमत हो तो उस क्षेत्र में स्लॉटर हाउस जिसको वध्यशाला कहते हैं खोलने पर सरकार प्रतिबंधित कर सकती है। तो 18 प्रस्ताव बैठक में सामने आया था जिसके बाद 2 प्रस्तावों पर जो कमेटी है वो बनाई गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, बैठक में 18 प्रस्ताव आए लेकिन जिनमें से 2 प्रस्ताव पर बनाई गई सब कमेटी। बिल्कुल, जिस तरह से राज्य कैबिनेट की बैठक थी लगभग 2 घंटे बैठक चली है और 18 प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिसमें से 16 को मंजूरी देने के साथ 2 प्रस्तावों पर सब कमेटी बनी है जो आने वाले समय में अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेगी और कैबिनेट उस पर निर्णय लेगी। क्या कुछ ये इश्यूज थे इनको लेकर ज्यादा ब्रीफ नहीं किया गया शासकीय प्रवक्ता की तरफ से, लेकिन इतना जरूर है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं इसलिए जनहित के निर्णय कैबिनेट के माध्यम से पास होने हैं तो सब कमेटी अपना निर्णय दे पहले सारे पहलुओं को जांच कर और उसके बाद ही कैबिनेट इस पर निर्णय लेगी कि क्या किया जा सकता है। इसके अलावा अगर 16 बिंदुओं को देखा जाए जिनको मंजूरी दी गई है तो काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहला और बड़ा इसमें इश्यू जो निकल कर सामना है वो है सॉलिटर हाउस की मंजूरी को लेकर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय एक्ट में संशोधन करते हुए अब ये पूरा फैसला अपने पास देने का काम किया है कि सरकार इसकी क्या कर सकती है। सरकार के हाथ में ये फैसला होगा कि प्रदेश के किसी भी नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत क्षेत्र में अगर सॉल्टर हाउस, पशु वस्ताला बनती है तो सरकार के पास फैसला होगा कि उसे बनने दे या ना बनने दे। तो देखा जाए तो सरकार कुछ हद तक प्रतिबंध लगाने की मूड में नजर आ रही है। हरिद्वार जनपद की अगर बात की जाए तो जल्दी हरिद्वार को लेकर फैसला किया जा सकता है। जो शासन के सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सॉलिटर हाउस पर पूरी तरह से हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र पे पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो अन्य फैसले हैं उसको लेकर भी सरकार गंभीर नजर आई और जनहित में फैसले लेने का काम किया। चलिए अजीत, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।